alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTK, and today I am going to start our new topic that is reproduction. And today in this lecture, I am going to discuss the male reproductive system as well as their hormonal controls. So let's move to the glass board. Dear students, first of all, the male reproductive system. So, इससे पहले reproduction define

सर्वाइव तो कर सकता है जिंदा रह सकता है कोई इश्यूज नहीं है लेकिन एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है अगर स्पीशी मेंबर्स स्पीशी लेवल के ऊपर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे द स्पीशी विल सोन बिकम एंडेंजर्ड एंड देन एक्सटेंट क्लियर डे स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंसानों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बेसिकली इट रिक्वायर्स द इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपने फर्टिलाइजेशन की टाइप्स पढ़ी हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गोनेट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने गमेट्स को एंड रिलीज देम इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वहां पर उनकी होती है फर्टिलाइजेशन जबकि इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल को अपने जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं मीन्स द स्पर्म्स दे मस्ट हैव टू बी डिस विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है इसलिए उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन सो हम जहां तक बात करेंगे ह्यूमंस की एज वी आर ह्यूमंस सो वी रिक्वायर इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्लियर अब स्टूडेंट्स ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत ही यूनिक किस्म का सिस्टम है अगर हम इसको बॉडी के बाकी सिस्टम से कंपेयर करें उसकी रीजन इसके पीछे दो रीजन है ये याद रखनी है आपने फ्रॉम uh, एम की पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज़ कॉन्सेप्ट वाइज एज वेल सो इट इज़ अ यूनिक सिस्टम बिकॉज इट डज़ नॉट बिकम फंक्शनल ये उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होता उस वक्त तक टर्न ऑन नहीं होता उस वक्त तक अपना काम सही तरह से शुरू नहीं करता जब तक कि जो ऑर्गेनिज़म है यानी जो इंसान है चाहे वो मेल है या फीमेल वो प्यबर्टी तक ना पहुँचे मतलब के बलोगत तक ना पहुँचे उस वक्त तक ये सिस्टम इनएक्टिवेट रहता है जबकि टिवली देखें बाकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं इसके अलावा वो पैदा होने के फौरन बाद या उसके कुछ देर बाद फंक्शनल हो जाते हैं ठीक है सो so, ये बहुत लंबे अरसे तक डोरमेंट रहता है और जब तक रिप्रोडक्शन जब तक प्यूबर्टी प्र, अचीव नहीं हो जाती तब तक ये इनएक्टिव रहेगा तब तक ये फंक्शनल नहीं होगा और आमतौर पर जो प्यूबर्टी की एज है ऑन एन एवरेज इट इज टेन टू फोर्टीन ईयर्स यानी पैदा होने के दस से चौदह साल की उम्र में ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इस सिस्टम का अगर हम मेल्स और फीमेल्स को कंपेयर करें ऑपोजिट जेंडर्स को कंपेयर करें तो बाकी सिस्टम्स के अतबार से बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं ठीक है लाइक इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ आरबीसी आपने पढ़ा रेड ब्रड सेल्स तो मेल के अंदर फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हैं जबकि फीमेल्स के अंदर फोर टू फोर पॉइंट फाइव क्यूबिक मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर हैं क्लियर तो इट्स अ स्लाइड डिफरेंस इसी तरह से बाकी एतबार से भी देखा जाए तो थोड़े 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 डिफरेंसेज हैं स्लाइड डिफरेंस हैं लेकिन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें सो बोथ दर सिस्टम्स इन मेल्स एंड इन द फीमेल्स दे आर क्वाइट डिफरेंट टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से ठीक है चले अब आते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ इसमें ए, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं सो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन इज कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको हम कहते हैं पैनिस क्लियर नंबर टू आर द एसोसिएटेड जो इसके साथ एसोसिएटेड डक्ट है लाइक द द लाइक द स्पर्म डक्ट जिसको हम वास्ट डिफरेंस कह रहे हैं और द दैकुलेटरी डक्ट एंड द पिनाइल जोरिथरा सो ये एसोसिएटेड डक हैं एंड इट ऑल्सो हैव एसोसिएटेड ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड और एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या क्या चीजें शामिल है कौन कौन से ग्लैंड शामिल है इसमें एक तो यह प्रोस्टेट ग्लैंड दूसरा सेमिनलिकल तीसरा बल्बो ग्लैंड जिसको हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है तो ये ग्लैंड uh, एसोसिएटेड है मेयर प्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एंड नंबर फोर देर इज अ पेयर ऑफ टेस्टीजियर अ पेयर ऑफ टेस्टीज तो ये चार मेजर कंपोनेंट्स हैं मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तो आइए इस डायग्राम से जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसमें से जो एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड मेजर चीजें हैं उनको भी अपने जो है नजर में सामने लाते हैं क्लियर सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये फ्रंट व्यू है ये फ्रंट व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सो हेर इज द दूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल यहां पर प्यूबिस के सामने जो हमारी प्यूबिक बोन होती है जो उसके सामने पड़ा हुआ और यूरिनरी ब्लैडर के सामने वाले आपको ग्रीन कलर के दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं पेर एक लेफ्ट पे और एक राइट right पे पेयर ऑफ वेजिकल सेमिनल वेर सेमिनल वेजिकल्स से ये यह यहां से कब बनता है इससे पीछे एक डकट आ रही है डकट इसे कहते हैं वॉस डेफरेंस वॉस डेफरेंस जैस कहते हैं स्पर्म डक Or Sperm duct, here is it. It starts from the epididymis, or epididymis, it is a compression of a tube uh, against the testes. Here is a testes, hai. a pair of testes is there, then epididymis, then was deference, sperm duct, then the, it joins, and here are the seminal vesicles which joins them. And here is the ejaculatory duct, ejaculatory duct ke, uh, baad jahan par around the neck of the उनसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके नेक के ऊपर एक वॉलट साइज का एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मेल्स ये प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल्स के अंदर नहीं होता ठीक है और प्रोस्टेट ग्लैंड फिर दरम्याल से जहाँ से वो यूरिथ्रा गुजर रहा है जो यूरिथ्रा जेकुलटी डक्ट के बाद ये जो यूरिथ्रा है जो प्रोस्टेट से गुजर रहा है इच इज प्रेजेंट ऑन द दर साइड्स ऑफ द यूरिथ्रा तो इसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और फिर प्रोस्टेटिक जोरिथ्रा आगे जाकर क्या बन जाता है पिनाइल जोरिथ्रा सो दिस इज द पेनिस दिस इज अ मेल कॉपुलेट्री ऑर्गन पेनिस तो ये पिनाइल जोरिथ्रा और यहाँ पर जहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है शुरू होता है उसकी बेस के ऊपर दो छोटे छोटे अपेयर ऑफ ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज बल्बो यूरिथरल ग्लैंड ठीक है बल्बो यूरिथरल ग्लैंड ये इसको कॉपर्स ग्लैंड हैं एंड हेयर इज द टेस्ट इज ये इसका टिश्यूज है ये स्पॉन्जिक टिश्यूज और स्ट्रक्चर -like जिसको हम एंटीरियर कहते हैं, इसे ग्लैंस ग्लैंड कहा जाता है और जब स्टूडेंट्स बच्चा पैदा होता है तो इस ग्लैंस पैलिस के ऊपर एक स्किन होती है इसको फोर स्किन कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज फोर स्किन जैस कहते हैं परफ्यूज और फिर उसके बाद इसको हम आ, जो है रिमूव कर देते हैं बाय सर्कम सीजन जो इसको ख़तने कहा जाता है उसके ज़रिए स्किन को रिमूव कर दिया जाता है उसके आ, हमारे पास बहुत सारे लॉजिक्स हैं आ, पहली लॉजिक तो ये है कि आ, इसको इसलिए रिमूव किया जाता है मेडिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब यू जुरि, आफ्टर यूरिनेशन कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर ड्रिपलिंग के दौरान यहाँ पर स्टे कर सकते हैं स्किन के अंदर इट मे कॉज द यूटिलाइज यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन या ड्यूरिंग इजैकुलेशन वहां पर जो स्पर्म्स के कुछ ड्रॉप्स जो हैं जो जो सिमन के कुछ ड्रॉप्स वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं सो मेकिंग एन अनहाइजीनिक इन्वामेंट एंड ऑफरिंग द प्लेस फॉर इन्फेक्शन ठीक है तो इसलिए इसका हुक्म यह दिया गया है इवन इन द क्रिश्चियनिटी इवन इन द इस्लाम सो आवर लास्ट प्रॉफिट सेट टू बी इट मस्ट बी रिमूव्ड ठीक है ये यह यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए द फोर स्किन जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इसको हम मुसलमानी कहते हैं या फिर हम इफ वी टॉक अबाउट इन द मेडिकल साइंस हम इसको सरकम सीजन कहते हैं सो इट इज़ रिमूव ताकि जो है ये जहाँ पर इंफेक्शन के चांस कम से कम हो सके क्लियर अच्छा डी स्टूडेंट्स अब आते हैं जरा वन बाय वन इन सारे ऑर्गन्स uh, के हवाले से और इनके स्ट्रक्चर के फंक्शंस के हवाले से तो स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से सो हेयर इज इट टेस्टिस अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज देयर ये राइट right टेस्टिस और ये लेफ्ट टेस्टिस टेस्टिस दे आर मेल गोनेट्स ठीक है टेस्टिस आर मेल गोनेट सिचुएटेड आउटसाइड द एबॉमन ये एबडोमन है ये हमारी हमेशा बॉडी के बाहर होते हैं उसकी रीजन क्या है आपने सोचा है होपफुली सोचा होगा एक्चुअली रीजन इज के जो हमारे अंदर प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनिसिस का स्पर्म्स के बनने का जो प्रोसेस है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे कोर टेम्परेचर से दो से तीन डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है इसलिए अल्लाह ने इनको आउटसाइड द एबडोमिन रखा मतलब एक्स्ट्रा एबिनल है ये जबकि फीमेल्स में जो ओवरिज होती हैं इसके बिल्कुल जो एनोलॉग हैं वो एबोडोमिन का हिस्सा होती हैं ठीक है ठीके? वो एबडोमिन के अंदर मौजूद होती हैं जबकि मेल्स में दे लाई आउटसाइड क्लियर सो बिकॉज द दर्मेटोजेनिस रिक्वायर टू टू थ्री डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन द कोर टेंपरेचर जो हमारा कोर टेम्परेचर है उसे दो से तीन डिग्री कम चाहिए होता है अब टेस्टिस के बाद यहां पर ऊपर देखेंगे देखिए टेस्टिस इट इज प्रेजेंट इन अ पाउच ऑफ स्किन एक स्किन का पाउच है उसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं और स्किन पा, स्किन पाउच इन विच द टेस्टिस इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड स्क्रॉटम ये एक स्किन है सिंपल स्किन है जिसके अंदर ये टेस्टिस मौजूद होते हैं इसे कहते हैं स्क्रॉटम अब टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक -like स्ट्रक्चर है इट इज बेसिकली कंप्रेस्ड क्वाइल्ड ट्यूब

मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर स्टोर स्पर्म डी वॉस्ट डिफरेंस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पर्म की मेजर साइट ऑफ स्टोरेज कहां पर है तो स्पर्म एपीडेड में भी स्टोर हो रहे हैं यहां पर भी स्टोर हो रहे हैं यहां पर भी स्टोर हो रहे हैं मीन द सेमसिकल बेजर साइट एंड मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स द आर स्टोर इन द इन दिस डर चले सो उसके बाद आए यहां पर इट uh, ओपन यह, यहां पर आइए और ये यह, यहां पर मौजूद है ये ऑन द एंटीरियर एंड आगे यूरिनरी, ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के आगे सोते हुए ये सामने आगे हमारे पास सेमिनल ये जो ग्रीन कलर में दो आपको बड़े से नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर कॉर्बुलटेड सो so, दीज आर सेमिनल और कितने हैं दो मतलब के अपेर इस उसके बाद फिर नीचे आता तुम प्रोस्ट्रेट पे ठीक है सो सेमिनल वेसिकल इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड इजेकुलेटरी डक्ट ये रही इजेकुलेटरी डक्ट और इससे पीछे क्या है दिस इज स्पर्म डक्ट इनके जंक्शन के ऊपर मौजूद है मार्क कर ले ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एट जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड इजेकुलेटरी डक्ट इजेकुलेटरी डक्ट बिल्कुल इसके आके नेक के ऊपर मौजूद है यहां पर इस सेमिनल वेजिकल ओपन हो रही है क्लियर और इसका फंक्शन अब इस सेमिनल वेजिकल के फंक्शन की तरफ आते हैं तो ये सेक्रेट करती है म्यूकस को और न्यूट्रिएंट्स को सेमिनल वेजिकल इट सेक्रेट्स म्यूकस एंड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स में खास तौर पर फ्रुक्टोज यहां पर सिक्रेट की जाती है शामिल की जाती है और फ्रुक्टोज के हवाले से याद रखिएगा इट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म्स स्पर्म्स को मूव करने के लिए और बहुत सारी चीजें चाहिए लेकिन उसके लिए जो मेन एनर्जी सोर्स है दैट इज फ्रुक्टोज विच इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेजिकल्स और इसके अलावा ये अल्कलाइन फ्रूट भी थोड़ा बहुत इसमें सिक्रेट करती है टू मेक दीमेंट द मेल जैकुलटरी मटीरियल अब ये सेमिनर वेजिकल के बाद यहाँ पर एक वॉलट साइज का एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और अगर आप इसको सामने वाले साइड से देखें बैकवर्ड साइड से थोड़ा सा तो ये ये यूरिनल ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर की बिल्कुल नेक के ऊपर जहां पर यूरिनरी ब्लैडर खत्म होता है उसकी नेक के ऊपर ये मौजूद है दिस इज कॉल्ड एस प्रोस्टेट ग्लैंड दिस इज कॉल्ड एस प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज वॉलट साइज साइज कितना वॉलट अखरोट की साइज का ऑन आइदर साइड ऑफ यूरिथ्रा और ये दोनों साइडों पर देख सकते हैं यूरिथ्रा की दोनों साइडों पर मौजूद है एंड वट इज इस फंक्शन इट सिक्रीट म्यूकस ये म्यूकसता है लाइक द सेमिनोलॉजिकल विच इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूड विच इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूड एंड इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना जब सीमन जो है वो वेजाइना में डिसलॉज किया जाएगा इजैकुलेट किया जाएगा उस वक्त क्योंकि जो वेजाइना की जो पीएच होती है दैट इज लिटल बिट एसिडिक और उस एसिडिक एनवायरमेंट में स्पर्म्स को मूव करना थोड़ा मुश्किल है कठिन है तो अल्लाह ताला ने उनकी इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से ये सिक्रीशन जो है वो ऐड करवाई ताकि वो वेजाइना के अंदर जा के जब सीमन है उस एसिडिटी को वेजाइना की जो एसिडिटी है उसको करेगा न्यूट्रलाइज़ स्पर्म्स मोर एक्टिव जिससे स्पर्म्स ज्यादा एक्टिव रहेंगे और ज्यादा तेजी के साथ मूव करेंगे और यहां से फिर जो यूरिथ्रा गुजर रहा है यहां से so दे, यहां पर देखिए जंक्शन है दिस इज कॉल्ड एस एजेक ये जेक्यूलेटरी डक्ट और यहाँ पर उसके नीचे जो जुरिथरा है इस यूरिथरा को कहते हैं क्योंकि प्रोस्टेट से गुजर रहा है उसके रीजन से गुजर रहा है इसे कहते हैं प्रोस्टेटिक जुरिथरा दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड की हदूद से गुजर है उसके रीजन से गुजरा है उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसके बाद स्टार्ट हो जाती है पेलिस और पैलिस की रूट पे मौजूद है दो छोटे छोटे पी साइज कितने पी साइज मटर के दाने के बराबर पी साइज ग्लैंड हैं इनको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या इनका दूसरा नाम एम के लिए यह भी मार्क कर लीजिए इन्हें कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस

Here is urethra, urethra, उससे पहले ये द पहलेकुलेट डक्ट तो उसके जंक्शन पे मौजूद है ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसका फंक्शन क्या है इन छोटे छोटे पी साइज ग्लैंड का फंक्शन क्या है तो सिक्रीट अल्कलाइन एंड स्लिपरी फ्लुइड इट लुब्रिकेट्स द दूरिथरा एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन यूरिथरास जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है मेल्स में मेल्स में ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स द मेल हार्मोन्स तो पेनिस से एक वाटरी फ्लूड निकलता है विच लिटिल बिट स्लिपरी एंड अल्कलाइन इन नेचर बिफोर एजैकुलेशन जैसे ही मेल्स को स्टिमुलेशन होती है तो उसके यहां से जो मीटस है जो ओपनिंग है इसकी पेनिस की दिस इज कॉल्ड एजिथरल मियटस मियटस कहते हैं ओपनिंग को तो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है यहां से वाटरी कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा उससे थिक कंसिस्टेंसी का एक फ्लूड निकलता है वो फ्लूड बेसिकली प्रोड्यूस करता है बल्पो यूरिथ्रल ग्लैंड ताकि इसके बाद जब दि, 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 आ, आफ्टर सेक्शुअल स्टिमुलेशन या ड्यूरिंग सेक्शुअल स्टिमुलेशन जब सीमन यहाँ से आएगा द मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल यहाँ से पास करे तो स्पर्म्स आसानी से स्लिप करते हैं वहाँ से जाएं पहली बात और दूसरी बात यहाँ पर कि अगर इस में एसिडिटी मौजूद है इस पेनिस के जुरिथ्रा में एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए क्योंकि एसिडिक एनवायरमेंट में जो जो स्पर्म्स हैं दे फील्ड सम अ लिटल बिट डिफिकल्टी वाइल पासिंग टू द आउटसाइड क्लियर सो अल्लाह ताला ने ये इतना ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम बनाया सो फ्रॉम द फ्रॉम लेंथ ऑफ द पुनैल जुरिथ्रा इट इज़ मूव्ड आउट डिस्ट्रेंस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो जैकुलेशन है वो भी इसी जगह से आ रही है और उधर से जो यूरिनरी ब्लैडर यानी हमारा जो यूरिन एक्सक्रिटरी जो फ्लड है वो भी इसी एक ही जगह से पास हो रहा है तो इसी वजह से हम मेल्स के अंदर इसको कहते हैं यूरोजेनिटल ट्रैक इट इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल ट्रैक क्योंकि इट्स इट इट शेयर्स अ कॉमन ओपनिंग यूरना सिस्टम भी सेम यहीं से जा रहा है और जो मेल रिप्रोडक्टिव जो फ्लूड है यानी सीमन वो भी यहीं से पास होकर के जा रहा है जबकि फीमेल्स के अंदर जो यूरिनेशन के लिए यूरिथ्रा है वो सेपरेट है और जो उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यानी कि वेजैना वो डिफरेंट है मतलब कि वो एक अलहदा से ओपनिंग है क्लियर Now ladies students, uh, let's take out the testis in detail. So this is a uh, this is a longitudinal section of a single gonade, which is testis or uh, details, as you can see over here. So this is vas deferens, deference, which is called sperm duct. मेजर साइट ऑफ स्पर्म स्टोरेज मेजर साइट ऑफ स्पर्म स्टोरेज और दिस इज दिन कट करके देखिए तो इसमें आपको बहुत सारे इस तरह से पार्ट्स नजर आएंगे इन पार्ट को कहा जाता है लोब्यूल्स दीज आर कॉल्ड लोब्यूल्स ये आपको ग्रीन कलर में इस तरह से नजर आ रहे हैं दीज आर लोबियूल्स एक एडल्ट मेल के अंदर देर आर अबाउट टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड लोब्यूल्स एमसी के लिए मार्क कर लीजिए और हर लोब्यूल्ड से नजर आ रही these are called seminiferous tubules. और पर लोब्यूल देर आर वन टू फोर सेवनी फेरेस्टिब्यूल्स एक लोब्यूल के अंदर एक कम अज कम एक और ज्यादा से ज्यादा चार सेवनी फेरेस्टिब्यूल्स से हो सकते हैं क्लियर सो ये जो नजर आ रही हैं, टीजनी सो एक से चार हो सकती हैं, टाइटली पैक्ड। और येवनी फेरेस्टिब्यूल स्टार्ट होती हैं, एक बिल्कुल सीधी ट्यूब से जो टेडी वाली सेवनी फेरेस्ट कहलाती हैं स्ट्रेट ट्रिब्यूल और इस एंटर इन टू नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स एक टिब्यूलर नेटवर्क में एंटर होते हैं दिस टूलर नेटवर्क इज कॉल्ड एज ए टेस्टिस

So, this forms the epididymis. You can So, this is epididymis. Now, the epididymis hai, it has got three parts. This is the large part which is called the head of epididymis. This is the body of epididymis. And this is the tail of epididymis. Is that clear? And then, after the epididymis, a duct is duct which we call the vas deferens. Which is called a sperm duct. Now, dear students, path, note a path. Please.

body, clear? So this is the passage. This is the passage of sperms. Let me revise this Seminal first tubules, then straight tubule, then testis, then vasoephyrentia or efferent tubules, then epididymis, from epididymis to the vas deferens, from vas deferens to the seminal vesicles, from seminal vesicles to the ejaculatory duct, from ejaculatory duct to the प्रोस्टेटिक जोरिथरा एंड फ्रॉम प्रोस्टेटिक जोरिथ्रा टू द पीनाइल यूरिथ्रा एंड फ्रॉम पेनाइल जोरिथ्रा टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रिएटस क्लियर तो यहाँ पर स्पम्स बनते हैं यहाँ पर बनने के बाद चलते हैं यहाँ पर टेस्टिस में पहुंचने के बाद उनकी फर्दर मैच्योरेशन होती है फॉर्मेशन पर मेटोजेनिस पर ही हो चुकी है यहाँ पर फर्दर मैच्योरेशन दैन ऑन एंड ऑन हेयर द स्टोरेज 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 एंड ऑन जैकुलेशन दे मूव आउट

एलबुचनिक और फिर इट इज कम्प्लीटली फिलहाल मैंने नहीं ड्रॉप किया नाउ इसमें से अगर एक सैमनी फेर टिब्यूल को आप अगर अच्छे माइक्रोस्कोप में देखें तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है क्रॉस सेक्शन समझते हैं जैसे कि टिब्यूल है इसको अगर मैं इसके डायमी कट करूँ इस तरह से

और ये उसके पास आस पास और सेमनी फेरेस्टिब्यूल्स पड़ी हुई हैं लेकिन ये एक बड़ी सी करके दिखाई है ये सेमनी फेस्टिब्यूल का इसके साथ, साथ वाली थी उसका कुछ कट सेक्शन है कुछ इसका कट सेक्शन है लेकिन कम्प्लीट ये एक सेमनी फेस्टिब्यूल तो सेमनी फेस्टिब्यूल्स के दरमियान में आपको ये कुछ ग्रीन कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड एज इंटस्टल सेल्स या इनको एक और नाम भी दिया जाता है लेडिक सेल्स दे आर कॉल्ड एज लेडिक सेल्स क्लियर इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स एम सी उसके लिए मार्क कर लीजिए सो so, ये जो आपको बाहर जो ऑरेंज कलर में जो लेयर नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्बरेन और बेसमेंट मेम्रेन के बाद जो आपको जो आपको पिंक कलर में जो नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथिलियम और जर्मिनल एपिथिलियम के बाद आपको ये छोटे छोटे से ऐसे धागे से, से नजर आ रहे हैं सो दिस आर स्पोमेटोसोआ और स्पोम्स और दरम्यान में चूंकि टिब्यूल है तो खाली अंदर से इसका सुराख है तो ये इसका सुराख है मतलब कि ये इसका लोमन है क्लियर और इन जर्मिनल एपिथीलियम के जो सेल्स होते हैं यानी कि विद इन दिन सेवन फेस्टिव्यूल यहां पर कुछ इलांगेटेड सेल्स हैं देखें, ये ये ब्लू कलर के ये इलांगेटेड सेल्स हैं दीज इलोंगेटेड सेल्स आर कॉल्ड स्टूडेंट्स यहां पर सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है और इन in सेल का क्या फंक्शन है लेट्स इंटरस्टिशियल सेल्स या जिनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स ये सेक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को द मेल हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टेस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस एज़ वेल एज़ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्सिस्टिक्स और जहां पर वो जो सर्टोली सेल्स हैं सर्टोली सेल्स क्या करते हैं ये एक असल फ्लूड सेक्रेट करते हैं कि उस वो हेल्प करेगा एक तो प्रोटेक्ट करेगा इन स्पर्म्स को और दूसरा इनको नरिश करेगा खुराक पहुंचाएगा इन स्पर्म्स को जब तक ये रहेंगे इस सैमरी फेरेस्टिव्यूल में तो उनकी यहाँ पर उनको जिंदा रखना उनको प्रोटेक्शन देना उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना ये इन सर्टोलिस सेल्स के ज़िम्मे है क्लियर ये उनको नरिश करते हैं ठीक है ठीके? और यानी कि ये नर्स नर्स इनको नर्स सेल्स भी कह सकते हैं ये दर्श करते हैं इनको और फिर आ जाइए अब जिसपे जर्मिनल एपिथीलियम पे तो डियर स्टूडेंट्स जर्मिनल एपिथीलियम पे होती हैं रिपीटेड माइटोसिस माइटोसिस एंड माइटोसिस एंड माइटोसिस चूँकि जर्मिनल एपिथीलियम सोमेटिक सेल्स में आ जाता है माई टोसी, माई टोसी निज्टोसी निज्टोसी निज्टोसी। ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं तो दे आर डिप्लॉयड इन नेचर तो माइटोसिस हुई की तो उससे क्या बनेंगे स्पर्मेटोगिया क्या बनेंगे स्पर्मेटोगिया और चूँकि ये जर्मिनल एपिथीलियम इट इज डिप्लॉयड सोमेटिक सेल तो माइटोसिस हुई तो जो स्पर्मेटोगोनिया बने वो भी हैं डिप्लॉइड क्लियर अब स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया ये साइज में इंक्रीज करेंगे दे विल इंक्रीज इन साइज एंड डिफरेंशिएट और इनमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा यहां पर माइटोसिस प्रोसेस नहीं हो रही ठीक है यहां पर जस्ट डिफरेंशिएशन हो रही है और साइज इंक्रीज हो रहा है किसका स्पर्मेटोगोनिया का एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सो so, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर चूंकि कोई डिवीजन नहीं हुई है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होंगे दे आर डिप्लॉयड क्लियर ये यहां से एक सेल की हम कहानी आगे लेकर के चलेंगे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कहानी लेकर के चलेंगे अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिस विल वो द मियोसिस द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपको पता है कि मियोसिस दो फेजिस में होती है द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज मियोसिस वन एंड द सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज मियोसिस टू तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट विल अंडरगो मियोसिस म्योसिस वन मियोसिस वन में चाहेगा और इससे प्रोड्यूस होंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड चूंकि ये मियोसिस वन है और यू नो वेरी वेल कि मियोसिस वन ही एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है तो उससे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे दे विल बी तो कितने सेल बने दो तो ये पेरेंट सेल और इसके अंदर हुई मियोसिस तो ये कहलाएगा डॉटर सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या कहलाएगा डॉटर सेल दो डॉटर सेल्स बन गए इन दो डॉटर सेल्स के अंदर होगी म्यूसिस एज यू नो वेरी बिल्कुल वैसे ही होती है रीजन इसमें एस फेज इसके इंटरफेस में नहीं होती है so, सो ये पास करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तो इस हर चूंकि दो सेल हैं तो हर सेल दो दो में डिवाइड होगा तो उससे बनेंगे चार सेल्स जिन्हें कहेंगे स्पर्मेटिड्स दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स चूँकि ये माइटोसिस की ही मतलब कि वो कॉपी है तो इसमें जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे था उतना ही इसके अंदर रह जाएगा ये हैप्लॉयड है तो इसके अंदर ये भी हैप्लॉयड रहेगा क्लियर सो so, चार नॉन मोटाइल सेल्स बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड्स की होगी मेचोरेशन इसका इससे बनेगा स्पर्म्स जो कि होंगे मोटाइल और स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको पता है सो हेयर इज अ स्पर्म स्ट्रक्चर ऑफ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सो दिस अ सिंगल स्पर्म ये जो ऊपर कॉर्नर बना हुआ है इसे कहते हैं एक्रोसोम इसके अंदर वो एंजाइम्स हैं जो कि अपॉन फर्टिलाइजेशन विद द ओवम और एक्सेल यहाँ से एंजाइम रिलीज हो जाएंगे ताकि ये उनकी जो बाहर वाली लेयर होती है ओवम की उसको डाइजेस्ट करके और न्यूक्लियस को एंटर करवाया जा सके एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड हेयर इज द माइक्रोक्रियल रिंग एंड हेयर इज द टेल सो दीज आर द फोर पार्ट ऑफ आ जनरल बेसिक पार्ट ऑफ अ स्पर्म तो एक प्राइमरी स्परम, स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स मान रहे हैं चार स्पम्स याद रखना ठीक है फोर स्पम्स चूंकि ये पेरेंट सेल था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के डॉटर सेल हुए तो जो स्पर्मेटिड्स हैं यानी कि जो स्पर्म्स बाद में डिफ्रेंशिएट होंगे दे आर कॉल्ड ग्रेंड डॉटर्स ठीक है ये ग्रैंड डॉटर सेल्स हैं ये डॉटर सेल्स पेरेंट सेल डॉटर सेल एंड ग्रैंड डॉटर सेल्स क्लियर तो चार ग्रैंड डॉटर सेल्स अच्छा डियर स्टूडेंट्स कभी कभार आपके दिमाग में शायद बात आई हो कि ना हो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है वाई वी से डॉटर सेल्स एंड वाई द मदर सेल हम इसमें फादर सेल क्यों नहीं कहते हैं या फिर सन सेल क्यों नहीं कहते ठीक है ठीके? मैंने इसको कहा दिस इज द mother cell, primary spermatocyte, mother cell is sakya though daughter cells, piren though daughter cells, granddaughter cells. so why only daughter cells and mother cells? why not father cells and son cells? so it is uh, uh, like that uh, allah has made uh, the females to reproduce, to produce child, to carry on the other generation. clear. Chunke, uh, या फीमेल्स के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है उसके अंदर बच्चा पल सकता है इसलिए जो मेजर सेल होता है उसको हम मदर सेल कहते हैं और उससे बनने वाले सेल्स को डॉटर सेल कहते हैं अच्छा सन सेल क्यों नहीं कह रहे क्योंकि इन्हीं सेल्स ने फिर आगे जाकर रिप्रोड्यूस करना है इनके अंदर फिर डिवीजन होनी है तो इस वजह से इन डॉटर इन इन सेल्स को डॉटर सेल कहा जाता है ना कि सन सेल्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा मोस्ट कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा सो इट्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट्स याद रखना म्योसिस वन से लेकर म्योसिस टू के दरमियान म्यूसिस वन से लेकर के यानी प्रोफेज वन से लेकर के और द कंप्लीशन ऑफ टीलो फेज टू देर आर टोटल नाइन स्टेजेस। कितने स्टेजेस हैं नाइन एम सी कुछ के लिए मार करें प्लीज नाइन स्टेजेस आर देयर बिटवीन म्यूसिस वन एंड म्योसिस टू अच्छा जी एक और चीज तो इस मुकम्मल हुई हमारी अब देखिए हमने बात की थी कि जो टेस्टिस होते हैं दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द साइड दे आर एक्स्ट्रा एबोडोमल ऑर्गन और स्ट्रक्चर सो उसकी रीजन में आपको बताई थी कि नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर से दो से तीन डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बताने लगा सुपरमेटोजेनेसिस का दैट इज अराउंड थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ये एम सी को इसके लिए मार करें कि टेस्टिस में आ, कितना टेम्परेचर चाहिए फॉर एन एफिशिएंट स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस सो अराउंड थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस मोस्ट एफिशिएंट स्पर्मेटोजेनेसिस होती है सबसे सब बेहतरीन किस्म की एक और याद रखनी आ, के एक मेल के अंदर एक एडल्ट और हेल्दी मेल के अंदर डेली बेसिस के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे चार सौ मिलियन स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं के लिए मार्क करें लिए इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस क्लियर फोर हंड्रेड मिलियन एक मिलियन होता है दस लाख का सो फोर हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड पर डे इन नॉर्मल मेल क्लियर चले अब ये सारी जो जो कुछ प्रोसेस है स्पर्म बन रहे हैं स्पर्म कहाँ पे बने यहाँ पर यहाँ से होते हुए फिर वो आपको रूट बताया अब मेल के अंदर एक लिक्विड सेक्रेट होता है एक फ्लूड सेक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं सेमन सेम व्हाट इज सेमन इट इज अ व्हाइट एंड स्टिकी मिक्सचर चिपचिपा सा होता है वाइट कलर का होता है और इसके अंदर क्या चीज होती है स्पॉम्स होते हैं और सेक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड ये एम सी क्यू इसके लिए ऑफ से ग्लैंड जिसमें वाटर होगा जिसमें म्यूकस होगा जिसमें अल्कलाइन फ्लूड होगा जिसके अंदर नरिशमेंट होगी मतलब कि फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज एंड एमानो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो सब कुछ शामिल होगा इसमें ठीक है उस सारे वाइट कलर के जो थिक और थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड एज सिमन क्लियर अब जो सीमन है डियर स्टूडेंट ऑन अपॉन अ सिंगल इजेकुलेशन जब मेल्स में सेक्शुअल स्टिमुलेशन होती है और उसके बाद जब एक सिंगल इजेकुलेशन होती है उस दौरान वेरिंग अपॉन हेल्थ ऑफ मेल्स, दौ से पांच एमएल, एल टू टू फाइव एम एल सीमन इज सिक्रेटेड पर एजेकेशन परेशन ऑलमोस्ट टू एमएल टू फाइव एमएल, इसको एम सी को इसके लिए मार कर लीजिए और एक एमएल के अंदर ट्वेंटी मिलियन से लेकर वन फिफ्टी मिलियन स्पर्म्स होते हैं इट रेंजेस फ्रॉम ट्वेंटी टू वन मिलियन स्पर्म्स एम एल पर एम एल एक एम एल में और एक जैकुलेशन में दो से पांच एम एल जो है वो सीमन रिलीज होता है ये ये सारे आपके सेलेबस के एमसी क्यूज हैं। इसको मार्क कर लें प्लीज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस मोस्ट मोस्ट एफिशियंट स्पर कब होती है around, around 35 एक दिन में कितना स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं फोर हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स ठीक है और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने सेल्स सेल्स प्रोड्यूस करता है फोर क्लियर और ए से टू के दरमियान स्टेजेस हो रही हैं टोटल नाइन स्टेस हो रही हैं क्लियर नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स इट स्टार्ट फ्रॉम द पिछूट्री ग्लैंड तो ग्लैंड के अंदर मौजूद है है। तो हैं हारमोन एफ एस एच एंड एल एच जिनको गोनेडोट्रोफिन एंटीरियर पिच्यूटरी में ये दोनों हार्मोन्स एंटीरियर पिछुटरी में मौजूद हैं लेकिन ये रिलीज कब होती हैं जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आता है हाइपोथैलेमस से ठीक है हाइपोथैलेमस से आएगा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं इसको ठीक है जी एन आर एच फ्रॉम द हाइपोथैलेमस अपॉन द स्टिमुलेशन सो एफ एस एच और एल एच रिलीज होगा हारमोन और एल एच द लिटुनाइजिंग हार्मोन या ये आमतौर पर फीमेल्स में तो खैर इसको लिटनाइजिंग हार्मोन ही कहते हैं लेकिन मेल के अंदर इसको एल एच भी कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम है आई सी एस एच Interstitial सेल stimulating hormone कहा जाता है इसको अब ये एंटीरियर पिच्यूटरी से रिलीज होते हैं और दोनों के separate, separate functions है। FSH, के हैं। यानी कि अंदर क्या करेगा? It stimulate, नाम है इसका फॉलिकल स्टीमुलेटिंग है तो ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे बाय इन्फ्लुएंसिंग और बाय स्टिमुलेटिंग द सर्टोली सेल्स द सर्टोली Cells. कौन से सर्टोली सेल्स? ये वाले. The cells. जिनका काम क्या था they, they अब जो सर्टोली सेल्स हैं, उनका काम नरिशमेंट प्रोटेक्शन लेकिन इसके साथ साथ एक और इसका फंक्शन है नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है ये एक हॉर्म एक सिकट करते हैं एक फैक्टर को

यानी जैसे 400 सौ मिलियन से ऊपर हो जाएगा तो ये इनहेबिट कर देता है फॉर द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और जहां तक बात है एल की या जिसको हम कह रहे हैं आई एस एच मतलब इंटस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके नाम से जाहिर है यहां पर मौजूद है इंटस्टियल सेल्स बिटवीन द सेवनी फेस्टिब्यूल्स कहां पर मौजूद होते हैं बिटवीन द सेवनी फेरेस्टिब्यूल्स सो ये ग्रीन कलर के इंटस्ट्रियल सेल्स या जिनको हमने नाम दिया लेडिक सेल्स ये उनको स्टिमुलेट करेंगे और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन अब जो टेस्टोस्टेरोन है एक तो करवाता है डेवलपमेंट थी करवाता है ताकि क्या बन सके इनसे अल्टीमेटली स्पर्म्स ताकि इससे क्या बन सके एपिथेलियम से स्पर्म्स और दूसरा ये इनहिबिट करता है एलएच को और एफएसएच को मतलब कि ये उसका एंटागोनिस्ट है एंटेगोनिस्ट ऑफ एल एच एंड एफ एस एच इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट हमसे जी तो डे स्टूडेंट होपफुल आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा टू इन टूडेक्स द डिटेल्स ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ मेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम Their functions as well as their hormonal controls. So hopefully today's lecture has been clear. Milte hai next lecture, or a lecture, ke se agar query ho, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. Take care.